लाइट्स कैमरा सब चेक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ R15 V4 BS7 2023 वेरिएंट। और आज करेंगे इसका टॉप स्पीड चेक। गाड़ी चल चुकी है लगभग 3861 किलोमीटर, मतलब कि समझ जाओ 4000 किलोमीटर। और माइलेज देख रहे हो यार, 47.5 का दे रही है। कुछ तो बात है गाड़ी में, अब लिखा है 47.5, हो सकता है कि थोड़ा कम दे रही हो। तो आपको लुक्स कैसे लगे गाड़ी में? वाइट कलर में गाड़ी डिजाइन दिखती है, अच्छी लगती है। लेकिन मेरे को पर्सनली जो है, जो BS6 ब्लू कलर आती थी वो मेरे को बहुत पसंद थी, ब्लू और ब्लैक। अभी तो कलर स्कीम थोड़ा चेंज कर दिया है हम वालों ने। तो आपको क्या लगता है कितनी जाएगी ये टॉप स्पीड? मेरे को तो लगता है कि अराउंड 144 या 145 तक जा सकती है, क्योंकि अभी जो है BS6 और BS7 में आपका टॉप स्पीड कम हो गया है पहले के मुकाबले। और पावर फिगर्स की बात करें तो इसमें आती है आपकी 18.4 BHP के आसपास, और टॉर्क आता है आपका 14 न्यूटन मीटर पॉइंट में, पता नहीं मेरे को याद नहीं है। गाइज आप इस एंगल से गाड़ी देखो कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी दिखती है इस एंगल से। हाँ, और गाड़ी की अभी सिर्फ फर्स्ट सर्विस हुई है, मतलब फर्स्ट सर्विस के बाद तो जनरली चली जाती है गाड़ी टॉप में। और 155 cc होने के बावजूद ये गाड़ी भाई 140 पार कर जा रही है, बहुत बड़ी बात है। और कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताऊं गाड़ी के, तो इसमें आता है क्विक शिफ्टर, ये देखो लगा हुआ है, क्विक शिफ्टर आता है। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि उतना काम हर बार काम नहीं आता, सिर्फ बरसात में अगर नए राइडर हो तो उनके लिए काम आता है। और गाइस अगर आपको R15 के बारे में अगर आपको कुछ रिव्यू वीडियो चाहिए होगा या कुछ डाउट होगा तो मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हो। और R1 और RS के बीच में अगर कंपैरिजन चाहिए, ये देखो ये कौन है अगर R1 और RS के बीच में अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। और गाइस इन दोनों का रेस मैंने YouTube पे डाल दिया है, आप देख सकते हो जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है वीडियो आपको, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मेरे को बताना, मैं बना दूंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं अब ट्रैक पे और देखते हैं कितना जाती है R1। तो जैसा कि आपने देखा कि R15 V4 BS7 टॉप गई 145, जो कि एक 155 cc बाइक के लिए काफ़ी है, काफ़ी नहीं बल्कि ज़्यादा ही है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे होगे तो पक्का आप R15 लवर ही होगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और एक कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और गाइस जल्दी ही मैं इसका एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दो और एक कमेंट ज़रूर से करना कि आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।